सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कुछ चीजों को कभी समझाया नहीं जा सकता। एक ऐसी ही होश उड़ा देने वाली कहानी 21 साल की एक लड़की के बारे में जो अमेरिका के सीसिल होटल में रुकी तो जरूर, पर वहां से कभी बाहर नहीं निकली। सीसिल होटल 1927 में बना था और माना जाता है कि ये होटल हॉन्टेड यानी शापित है। यहाँ कई लोग अपने कमरे की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 30 साल पहले यहाँ रिचर्ड रमीरेज नाम का एक सीरियल किलर रहता था, जिसने अपने रूम के अंदर 13 मर्डर्स किए थे। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस होटल में भटकती है। फरवरी 2013 की एक सुबह अचानक होटल सीसिल के स्टाफ को पानी की दिक्कत की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। कई रूम्स में नल से पानी नहीं आ रहा था और कई रूम्स में काले रंग का पानी आ रहा था। कोई होटल के स्टाफ में से जब टेरेस पे चेक करने गया तो उसने देखा कि एक वाटर टैंक का ढक्कन खुला पड़ा है। जब उसने अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पानी में एक लड़की की लाश डूबी हुई थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। लोगों ने सोचा कि शायद इसी के चलते उसने सुसाइड करी, लेकिन उस दिन से आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सारे रास्ते बंद होने के बावजूद वो ऊपर टेरेस पर कैसे पहुंची और इतने भारी वाटर टैंक के ढक्कन को खोलकर उसने खुद को कैसे डुबाया। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के स्टाफ में से ही किसी ने उसका मर्डर किया, बट कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रिचर्ड रमीरेस की भटकती आत्मा ने उसके साथ ये सब किया। मगर जिस रात एलिसा की डेथ हुई, उस रात उसको आखिरी बार होटल की लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज पर देखा गया, जहां वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। फुटेज को देख के ऐसा लगा कि शुरू शुरू में वो किसी से छुप रही, लेकिन बाद में उसे कॉरिडोर में कोई दिखा और एलिसा उसके पीछे पीछे चली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम एक तरीका है जिससे इंसान दूसरी यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। इसे खेलने के लिए कम से कम 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग होनी चाहिए, जहां लिफ्ट में इंसान को अकेले एक के बाद एक अलग अलग फ्लोर्स पर जाना होता है। इस बीच में दूसरी दुनिया की एक डरावनी सी औरत लिफ्ट में घुसेगी, जिसे भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। जब इंसान 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है तो लिफ्ट एक दूसरी दुनिया में खुलती है, जो कि स्पिरिट्स और भूतों की दुनिया है। अगर कोई ये करते हुए वापस आने का रास्ता भूल जाता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाती है। शायद एलिसा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। उस दिन से लेकर आज तक एलिसा लैम की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। कहानी अमेरिका के बिडेफर्ड शहर के 150 साल पुराने सिटी थिएटर की है। 1894 में इस थिएटर में एक बहुत ही भयानक आग लगी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जल गई।
दो साल बाद सिटी थिएटर को वापस बनाया गया। उस समय के परफॉर्मर्स की माने तो दोबारा बनने के बाद इस थिएटर में एक अजीब सी घुटन थी। परफॉर्मर्स को प्रैक्टिस करते हुए सांस की कमी होना, मरे हुए लोगों की परछाई दिखना, इन सभी बातों ने वहां के लोगों के अंदर काफी खौफ भर दिया था। 1904 में वहां एक और हादसा हुआ जिसने इस थिएटर की तस्वीर ही बदल दी। हैलोवीन के दिन ईवा ग्रे नाम की 33 साल की एक खूबसूरत ओपेरा सिंगर का स्टेज पर परफॉर्म करते करते हार्ट फेल हो गया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक उसकी आत्मा उसी थिएटर में भटकती रहती। पर एरिका नाम की एक लड़की इन सभी बातों से अनजान थी। साल 2016 हैलोवीन के दिन उसे अपने कॉलेज की तरफ से एक प्ले यानी नाटक परफॉर्म करना था, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके थिएटर ग्रुप को बिडेफर्ड सिटी थिएटर अलॉट हुआ था। वो अपने और साथियों के आने से काफी पहले वहां पहुंच चुकी थी और उसने सोचा कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। वो थिएटर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी हो चुका था। दूर दूर तक वहां कोई इंसान नहीं था। एरिका को इतने बड़े थिएटर में अकेले डर तो लग रहा था, पर उसका सारा ध्यान उसकी परफॉर्मेंस पर ही था। वो अपने रोल की प्रैक्टिस कर ही रही थी कि अचानक उसे किसी के ताली बजाने की आवाज आई। उसने ऑडियंस की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां जो एक बड़ा सा झूमर था उसकी लाइट ऑन हो गई और उसने देखा कि बालकनी में खड़ी कोई औरत उसे घूर के देख रही है। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया और वो औरत वहां से गायब हो गई। एरिका थोड़ा घबरा गई कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो समझ गई कि यहाँ और रुकना ठीक नहीं है और वो तुरंत थिएटर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, पर कोई भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक थिएटर की सारी लाइट्स ऑन हो गई और एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया और वो थिएटर पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। उसने स्टेज की ओर देखा तो वहां एक डरावनी सी औरत गाना गा रही थी। वो औरत वही थी जो उसे पहले बालकनी में दिखी थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट शुरू हो गई। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि और कोई नहीं बल्कि उसी के कॉलेज के साथ ही वहां आ चुके थे। एरिका ने नजर उठा के देखा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था पहले जैसा। ना स्टेज पर कोई था, ना ऑडियंस में, ना कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही कोई झूमर जल रहा था। एरिका ने जब अपने साथ हुआ हादसा अपने दोस्तों और सिटी थिएटर के मैनेजमेंट को बताया, तब उसे ईवा ग्रे की कहानी के बारे में मालूम हुआ। उस दिन के बाद से एरिका किसी भी थिएटर में परफॉर्म करने से बेहद डरने लगी और उसने एक्टिंग करने का अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। ईवा आज भी हर हैलोवीन के समय वहां आती है और अपनी अधूरी परफॉर्मेंस को पूरा करती है, और अगर ऐसा करने से उसे कोई रोकता है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस हॉरर मूवीज में से एक द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताई गई हर एक बात एनालीज मिशेल नाम की एक लड़की के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली एनालीज को 16 साल की उम्र से ही काफी दिक्कतें शुरू हो गई थी। चक्कर आना, किसी भी चीज पर रिएक्ट न करना, बिना बात के चीखना, नींद में चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स एनालीज की लाइफ में आम बात हो गई थी। एक बार उसे बहुत बुरी तरह फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके घर वालों ने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी रूप से काफी बीमार है और उसकी प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाए इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां दे दी, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। 1973 में जब एनालीज 21 साल की हुई तो उसकी हालत और खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि एनालीज को लगने लगा कि उस पे शैतानी आत्माओं का साया है। वो जहां भी जाती वहां उसे शैतान का चेहरा दिखता।
कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि आत्माएं उसके कानों में बोल रही हैं, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी, नरक में। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना वो चर्च के अंदर घुस पाती थी और ना ही किसी भगवान की तस्वीर देख पाती थी। थोड़ा और वक्त बीता तो एनालिस की हरकतें और अजीब हो गईं। कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने कपड़े फाड़ना और अपने आप को बहुत बुरी तरह मारना, ये सब देखकर उसके घरवाले बहुत डर गए और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत बुलाने पर जब वो उनके घर गए तो वहां का माहौल देख के वो दंग रह गए। एनालिस प्रीस्ट को देखकर चीख चीख के अपना सर दीवार पर मारने लगी और किसी अलग ही भाषा में जोर जोर से बात करने लगी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर एक हाथ से पलंग उठाकर दोनों प्रीस्ट की तरफ फेंका। ये सब देखकर उन्हें भी ये एहसास हुआ कि एनालिस किसी बहुत ही शैतानी आत्मा से पोजेस्ड है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एनालिस का एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। एक्सोर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से किसी भी तरह की शैतानी आत्मा को बाहर निकालने का तरीका। 1975 और 1976 के बीच करीब 10 महीने तक एनालिस की बॉडी से उन आत्माओं को भगाने की कोशिश की गई। शुरू शुरू में एनालिस को बेड से बांधकर प्रीस्ट ने उसके अंदर के शैतानों को बाहर आने के लिए डराया। इसके जवाब में आत्माओं ने गुस्से में एनालिस की बॉडी को बहुत हर्ट किया। एक्सोर्सिज्म करने पर पता चला उसके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं वास कर रही हैं। इसी दौरान एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी के कारण मौत हो गई। दोनों प्रीस्ट पर एनालिस के पेरेंट्स को उसकी डेथ के लिए जिम्मेदार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण 6 महीने बाद वो रिहा हो गए। एक्सोर्सिज्म के वक्त एनालिस की वो आवाजें आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। ये कहानी डेविड की है, जो अमेरिका में एक छोटे से शहर में रहा करता था। उस दिन अमेरिका में हेलोवीन का त्योहार था और सभी लोग उसी का जश्न मना रहे थे। हेलोवीन की रात उन लोगों को याद किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे उनके परिवार वाले, जंग में शहीद हुए जवान या जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफी योगदान दिया। कहते हैं इस रात को असली दुनिया और गुजर चुके लोगों की दुनिया के बीच एक पैसेज यानी एक रास्ता खुलता है और जिन भी गुजरे हुए लोगों को याद किया जाता है वो उस रास्ते से अपने लोगों से मिलने आते हैं। डेविड भी हेलोवीन की तैयारियों में लगा था। उस रात उसके अंकल एंडरसन ने उसे डिनर पर बुलाया था। मिस्टर एंडरसन की वाइफ पिछले 4 सालों से लापता थी और तब से वो थोड़े अजीब से हो गए थे। डेविड को अपने अंकल बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर उसे अपनी आंटी से बहुत लगाव था, इसीलिए वो उस दिन 4 सालों के बाद अपने अंकल का हाल चाल जानने के लिए वहां गया। जब वो वहां पहुंचा तो मिस्टर एंडरसन की हालत देख वो थोड़ा सहम गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से नहीं सोए। पूरे घर में अंधेरा था और बस एक ही बल्ब जल रहा था। डेविड को वहां कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। डेविड बैठ के उनसे बातें ही कर रहा था कि उसे लगा कि किचन में किसी के खाना बनाने की आवाज आई। ये सुन के उसे अपनी आंटी की याद आई। वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी। उसने अपने अंकल से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी है क्या? तो अंकल ने कहा कि नहीं, कोई और नहीं है। कुछ देर बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो फ्लिकर करने लगा। अंकल एंडरसन जैसे ही ये चेक करने के लिए अंदर गए, वैसे ही किसी ने डेविड का नाम पुकारा। डेविड, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी आंटी की थी। आंटी, क्या ये आप हैं? उस लाइट की फ्लिकर में उसे कुछ धुंधला सा दिखा। उसकी आंटी की आत्मा
उसके ठीक सामने खड़ी थी। फिर वो आत्मा धीरे से घर के बेसमेंट की तरफ चली गई। डेविड डरते डरते उसके पीछे गया। बेसमेंट में जाते ही वो आत्मा गायब हो गई और डेविड ने वहां का भयानक दृश्य देख के तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने देखा कि वहां सैटन यानी गॉड ऑफ डेथ की मूर्ति है और उसके आगे चार लोगों की सड़ी हुई लाश पड़ी है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होके नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अंकल एंडरसन ने उसे बांध रखा है और वो सैटन की पूजा कर रहे हैं। डेविड को ऐसा लगने लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, पर तभी वहां पुलिस ने आके उसे बचा लिया और अंकल एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया। इंटरोगेशन के बाद मालूम हुआ कि उन चार बॉडी में से एक बॉडी उनकी वाइफ की थी और बाकी तीन उस शहर से गायब हुए लोगों की। हर हेलोवीन को इन लोगों की बलि चढ़ा के एंडरसन सैटन को खुश करके अमर बनना चाहता था और इसीलिए उसने इन सब लोगों का मर्डर किया। डेविड भी शायद आज जिंदा नहीं होता अगर वहां उसकी आंटी की आत्मा नहीं आती। डेविड ने उन चारों बॉडीज का सही तरीके से बरियल किया। तब से वो हर हैलोवीन का दिन पब्लिक सर्विस करके बिताता है। ये कहानी 1992 अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था, पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से दो दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर तीन बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने तीन बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के
पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर मैडी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है, पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी, पर तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाया। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।